close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storm हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर व्लॉग्स। तो गाइज, आज का व्लॉग्स में मेरा पूरा कॉलेज का कैंपस आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जो भी है, जो नए जट के सिलेक्टेड स्टूडेंट इस कॉलेज में आएंगे उनके लिए, और पूरे इस कैंपस का आज तक कोई ऑफिशियल वीडियो नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइज, अब चलेंगे कॉलेज के अंदर। मेन अभी है जो हम किसान भवन के बाहर खड़े हैं, जो कि मेन कैंपस के अंदर ही है, और कैंपस लगभग 2 से 3 किलोमीटर में है। तो हम जाएंगे यहाँ से अब बॉयज़ हॉस्टल, फिर गर्ल्स हॉस्टल, फिर चलेंगे और प्रशिक्षण की इकाइयाँ वहाँ पर, और दिखाएंगे आपको किस प्रकार रहता कॉलेज, और बीच में मिलते रहेंगे वीडियो के। और तब तक लीजिए रास्ते के एंजॉय। जब आ गए हैं शहद प्रसंस्करण इकाई में, और इधर है संतरे और जामुन के प्लांट, आप देख सकते हैं। और कुछ इस प्रकार है शहद प्रसंस्करण इकाई, यानी कि मधुमक्खी पालन किया जाता है, और इधर संतरे के पेड़ हैं, जो कि आप लेबर अभी काम कर रही हैं। तो गाइस, अब जाएंगे मधुमक्खी पालन के अंदर, और आप देखेंगे वो जो कि यहाँ का एक पार्ट है। हम आए थे गर्ल्स हॉस्टल के आगे से जस्ट, और यहाँ अब कॉलेज कैंपस इससे यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर इधर की साइड है, वो भी आप आगे वीडियो में देखेंगे। एंड तक बने रहिए, लास्ट में बहुत ही मजा आने वाला है, हर वीडियो की एंडिंग खतरनाक होती है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए चलते हैं मधुमक्खी पालन में। I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel right. I don't wanna just forgive you. I just wanna be fine. यहाँ पर है ये नींबू के पौधे, कागजी नींबू के प्लांट लगाए गए हैं, जिन पर अभी हार्वेस्टिंग हो गई है नींबू की, और आगे है जो पौधों पे नींबू भी है। I'll be waiting for a sign to light up. Yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Hey you. यहाँ पर ICR ऑल इंडिया कॉरिडोर रिसर्च प्रोजेक्ट द्वारा पौधे लगाए गए हैं, सीताफल के ये पौधे हैं। यहाँ पर इनकी वैरायटी वगैरह नाम लिखा हुआ है, बेंगलोर टी 4 वैरायटी पे सीताफल है। यहाँ पर थाले बना के अभी है जो बहुत ज्यादा सीताफल के प्लांट लगे हुए हैं। अब हम चलेंगे कॉलेज की तरफ, ICR जॉन फ्रूट्स, और वो वहाँ पर नर्सरी है, नर्सरी में, और आपको आगे दिखा दूंगा। तो फाइनली पहुंचने ही वाले हैं, उससे पहले आ गया है वेजिटेबल साइंस का जो डिपार्टमेंट है, वो यहाँ का ये क्वार्टर बनाया हुआ है, इसके अंदर वेजिटेबल के इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ रखे हुए हैं, उनको प्रिजर्वेशन करने टाइप की सभी जानकारियाँ यहाँ से प्राप्त करते हैं किसान। और फाइनली कॉलेज रह गया पीछे, अब जाएंगे कॉलेज की तरफ,
और कॉलेज से आगे हम आपको पोली हाउस वगैरह सब जहाँ पर घुमाना होगा आपको घुमाएंगे पूरा कैंपस में। ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। आगे हैं प्रशिक्षण भवन में जहाँ पर किसानों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है पोली हाउस की खेती के बारे में। उस साइड पोली हाउस लगाए गए हैं, इस साइड पुसनन्ना पपीते की वैरायटी के छोटे छोटे पौधे हैं, तो इसे कहते हैं पावर टिलर, जो कि अभी थोड़ा जूना हो चुका है, मतलब थोड़ा बहुत पुराना हो चुका है, और यह डीजल के द्वारा चलता है। यह पावर टिलर है जो डीजल के द्वारा यहाँ से स्टार्ट होता होगा शायद, और यह जो नॉर्मल खेतों में छोटे पौधों के अंदर घास उखेड़ने और मतलब मिट्टी को रलाने में काम आता है। काफी शानदार यंत्र है, छोटा इंस्ट्रूमेंट है, और उसका एक दूसरा मॉडल भी नया उधर पड़ा है, वो अब बाद में देखेंगे। तो अब आए हैं ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, जो कि इसके अंदर मैन किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। आइए किसान भाइयों, और यहाँ पर अभी जो ताजे टमाटर पोलिया उससे तोड़ के लाए हुए हैं, काफी हेल्थी टमाटर है यहाँ के, सुगंध से ही पता चलता है कितने एकदम शानदार पके हुए हैं। ये पम का थोड़ा पौधा है इसके अंदर। इसके अंदर सब्जियों को स्टोर किया जाता है ताकि वो बिना सड़े काफी लंबे समय तक रह सके। तोड़ के रखे हुए शकरकंद आप देख सकते हैं कितने हेल्दी और मोटे हैं, काली मिट्टी अभी भी चिपकी हुई है इसके ऊपर, और अभी अभी इनको जो मिट्टी से निकाला है ये देख सकते हैं आप, काफी शानदार है। और इस प्रकार की दराती का इस्तेमाल करके इनको ये जो निकालते होंगे शायद। और तो गाइस यहाँ पर चेरी टोमेटो की छोटी छोटी है जो टोमेटो है, और ये है बहुत बड़ा पम्पकिन, लगभग 5 किलो का तो होगा ही होगा। और यहाँ पर खीरा केला वगैरह यहाँ है जो इंस्ट्रूमेंट तोड़ने का भी है। और ये ब्रोकली है, आप देख सकते हैं ब्रोकली आपने खाई होगी, लेकिन हमारे यहाँ कॉलेज में इसको उगाया जाता है और काफी मेहनत के बाद प्राप्त किया जाता है कैसे होगा इंस्ट्रूमेंट। ये आप देख सकते हैं वो छोटे वाले टोमेटो वही है, अभी ये इनकी पैकिंग वगैरह चल रही है, बाद में इनको मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। पूरे पोली हाउस का वो कंट्रोल का एक मशीन है जिसको आप आइए आप देखते हैं। ये खरपतवार निकालने का छोटा और इंस्ट्रूमेंट पावर ट्रैक्टर, आइए देखते हैं इसको। इसके ऊपर ये स्टार्ट होता है और इसे आसानी से यहाँ ये कुछ वगैरह हैंडल ये गियर वगैरह यहाँ से आसानी से आप चला सकते हैं इसके अंदर। तो आइए आप मैन इस मशीन की बात करते हैं। आइए
और काफी शानदार था। यहाँ पर सभी स्विच बोर्ड है जिनसे जो एग्रीटर मोटर वगैरह सब कंट्रोल की जाती है। इसे आप पोली हाउस की खेती भी थोड़ी कॉस्टली होती है तो सब उत्पादों का बराबर ध्यान भी। तो गाइस जब हम जाएंगे पोली हाउस के अंदर, हमारे साथ है हमारे क्लासमेट के मम्मी जो कि यहीं पे काम वगैरह करते हैं, और अब चलते हैं यहाँ से पोली हाउस के अंदर। आप देख सकते हैं यहीं से कितना शानदार दिख रहा है आपको। हालांकि यहाँ पर फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर वगैरह को अलाउड नहीं है क्योंकि ये प्रशिक्षण सेंटर है और यहाँ पर आपको पता है जो नए लड़के आते हैं वो खुरापाती कुछ तो कुछ गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन खास विशेष लड़कों के लिए अलाउड है। तो आइए आपको लोगों के लिए मैंने ये जो अभी इसकी परमिशन ले ली है, अब चलते हैं इसके अंदर। फैन अभी बंद हो गए, ये ऑटोमेटिक होते रहते हैं, एयर प्रेशर अपने आप मेंटेन करते हैं। तो भाई आइए इसके अंदर चलते हैं। तो गाइज अब शुरू करते हैं हम पोली हाउस के अंदर का वातावरण। तो आइए गाइज देखते हैं। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी, नहीं नहीं कोई, ये स्ट्रॉबेरी है जो कि काफी ये शानदार हेल्थी वगैरह लगी हुई है एकदम। इतनी शानदार स्ट्रॉबेरी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, वैसे भी मैंने स्ट्रॉबेरी खेती नहीं देखी है। और ये फेरोमोन पास लगा हुआ है, छोटे छोटे कीड़े जो इस रसायन के आकर्षित आके इसे जल जाते हैं। यहाँ पर पूरी मल्चिंग की हुई है, ये एकदम वैज्ञानिक रूप से विधि से किया हुआ है। और ये पोली हाउस का इधर की साइड बंद है, इसके अंदर मैरीगोल्ड गेंदे की खेती है, आप देख सकते हैं यहाँ से गेंदा। तो गाइस अब जाते हैं पोली हाउस के अंदर, दिखाते हैं इसके अंदर का राज क्या है। तो गाइस चलिए। इसके अंदर का वातावरण बहुत ही, और ये है क्रॉप मैरीगोल्ड धनी येलो, यानी कि ये जो गेंदे की धनी येलो प्रजाति है। इसके अंदर अभी ये जो फूल वगैरह सब कुछ आ गए हैं और मार्केट में भी इसके फूल सप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर ये सभी है जो इनको सारा देने के लिए रस्सियाँ वगैरह लगाई गई है। दूसरे पोली हाउस के अंदर जो कि काफी सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी के साथ बना हुआ है, और ये जो मेनली काफी कॉस्टली के साथ भी हाइड्रोपोनिक सिस्टम है, यानी कि इसके अंदर है जो पानी में फूल फल सब्जी कैसे होती है आप देखेंगे पहली बार। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अंदर आते ही फैन स्टार्ट हो गए, यानी कि एयर का थोड़ा बहुत मेंटेनेंस हमने गड़बड़ किया है। ये देखिए गाइस इसके अंदर की रेत थोड़ी अलग है, और यहाँ पर टोमेटो टोमेटो है, तो आप टोमेटो क्या देख सकते हैं, ये बिना मिट्टी के लगते हैं। यहाँ पर आप देखिए पानी के अंदर लगे हुए हैं, इसके अंदर कंकड़ डाले गए हैं और इसके अंदर न्यूट्रिशन प्रदान किया जा रहा है। इधर एयर फ्रेशर बड़े बड़े लगेंगे, कंकड़ घूम भी रहा है वो। अब चलते हैं उधर की साइड, थोड़ा कैसा भी आइए। इसमें जो इनको सार प्रदान करने के लिए जो लगाई हुई है रस्सियाँ वगैरह, और उधर और ड्रैगन के पौधे हैं। और उससे पहले आप देखिए उधर एक, मैं आपको दिखाता हूँ ये मेंटेन सब कुछ किस प्रकार काम करता है। आइए ये गाइस आप पौधा देख सकते हैं, ये ओनली इन कंकड़ों में नहीं है, मतलब इसके अंदर से पानी है जो आर पार होता रहता है और इसके अंदर पूरा पानी पड़ता है। और जब आपको दिखाते हैं बड़े बड़े ड्रैगन जो कि अभी है जो ये एयर प्रेशर भी बंद हो गया। तो आइए ये जो लंबी एंगन ड्रैगन की पद्धति है, कुछ लॉन्ग या गोल राउंड वगैरह कोई होगी, ये भी हाइड्रोपोनिक पद्धति से है। तो अब इस पोली हाउस से चलते हैं बाहर और किसी कॉलेज के पार्ट के साथ मिलते हैं आपसे। जाए तू कहीं भी ये सोचना कोई तेरे साथ है जी रहा। नर्सरी तैयार कर रहे हैं,
एजोला यूनिट, इस ये आप खाद देख सकते हैं, ये अगर पशु के चाटे के साथ उसको खिलाई जाए तो उसके जो काफ़ी दूध में बढ़वार होती है। यहाँ पर नए पौधे तैयार किए जा रहे हैं सिट्रस के, ये दूसरे किसानों और खेतों में भेजे जाते हैं। अंदर ये एक पपीते का शानदार पौधा, इस पर पपीते पकने ही वाले हैं। और ये आप टोमेटोज वगैरह देख सकते हैं कितने हेल्थी है एकदम, यूं पूरे टोमेटो से पौधे लथपथ हो रहे हैं, ये देखिए आप गाइस। और यहाँ पर ऐसे है जो ये गोभी की पौध तैयार हो रही है, ये ब्रोकली है उस साइड आप देख सकते हैं, कितना शानदार सा यहाँ का वातावरण है। मतलब गाइस मैं तो पहले कभी आया नहीं था, लेकिन अब मन कर रहा है कि यहीं रह जाएं। इसीलिए गाइस मुझे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेना पसंद है और यही है लाइफ का गोल। तो चलते हैं अब और एक नए जगह। हाँ भाई आ रहा हूँ, ये कुछ और प्लांट वगैरह। हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं ये ऑर्गेनिक संतरा है, तो गाइस जब हम आ गए हैं प्लांट टिश्यू कल्चर लैब में, जो कि लैब के तो आज लॉक है, वैसे भी संडे है तो सर यहाँ पर है नहीं, लेकिन इस लैब के पीछे है जो दो बनी हुई हैं पौधशालाएँ, नहीं मतलब पोलिया उसकी तरह ही, उनको जो सिक्योरिटी रूम बनाए हुए हैं उसके अंदर टिश्यू से नया प्लांट तैयार किया जाता है। अगर आप समझ सके तो किसी भी प्लांट के छोटे से छोटे टुकड़े से एक नया प्लांट तैयार करना, ऐसे किसी मीडियम में डाल के, कल्चर में डाल के, तो वो लैब पीछे हैं, लेकिन वहाँ ये जो रिसर्च एरिया हम फालतू में जाना नहीं चाहते हैं और नहीं जाएंगे। Thank you.
पौधशाला के अंदर जो कि फल विज्ञान की पर्सनली पौधशाला, इसके अंदर फ्रूटों के ही पौधे तैयार किए जाते हैं। आप नाम पढ़ सकते हैं, फल विज्ञान विभाग उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़, कृषि विश्वविद्यालय कोटा, और क्या है पौधशाला बस। और ये है जो हमारे कॉलेज की सबसे उत्तम और शानदार पौधशाला लगी है मेरे को। यहाँ पर मैंगो, टैमरिंड, जामुन जिसे सीजियम क्यूमिनी भी कहते हैं, और जो सीताफल कस्टर्ड एप्पल, और वो दुआवा, संतरे, नींबू, अन्य वेराइटियाँ यहाँ पर और भी अत्यधिक लगाई हुई है। इस पोली हाउस के अभी तुरंत लॉक है क्योंकि आज संडे को पूरा कॉलेज बंद है, और वैसे भी मुझे इस चीज़ों में आने के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन मैं जो ओनली आपको दिखाने के लिए आया हूँ, तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। तो भाई अब मैं इसको अंदर तो जाके नहीं दिखा सकता, लेकिन बाहर से थोड़ा आप बहुत देख सकते हैं। फल का देखिए नाम कितना शानदार लिखा हुआ है बस। तो भाई आप फल का नाम सुनते ही मतलब एक अंदर से अंदर ही भावना आती है जो कि अपन को कृषि के क्षेत्र का विद्वान बनाती है। भाई जिसके अंदर ये है जैकफ्रूट आप देख सकते हैं, जैकफ्रूट का प्लांट है, और इधर है खिरंजी के प्लांट आप देख सकते हैं, ये खिरंजी के प्लांट है। तो भाई अब चलेंगे बड़े पौधों के अंदर। तो गाइज आपका स्वागत करते हैं फल विज्ञान की पौधशाला के अंदर। यहाँ पर ऐसे ट्रक की कई जंगली प्रजातियाँ मूल वनस्पति के रूप में तैयार की जाती है, और इसका जो बूटी मतलब जो कलम द्वारा और भी करते हैं परीक्षण। आगे देखिए और पौधे हैं, मैं आपको ले चलता हूँ। तो गाइज इसके अंदर ओनली मूल वनस्पति झाड़ियाँ टाइप है, कुछ खास मुझे लगा था कोई और भी खतरनाक चीज होगी, लेकिन खास ऐसा कुछ नहीं मिला। ऊपर है जो पॉलीथीन है, इसके अंदर है जो सिलिकॉन की परत मिलाई हुई है, शानदार मजबूत पॉलीथीन है, नॉर्मल हाथों से नहीं टूट सकती है। और अभी ये जंगली मूल वनस्पति है, और इनका जो उपयोग नए पौधों में किया जाता है। तो गाइस ये आपने फल विज्ञान की पौधशाला देखी होगी, इसके अंदर है जो मूल वनस्पति तैयार की जाते हैं, ओनली सिट्रस की यहाँ पर काफ़ी शानदार वेराइटियाँ बनाई जाती हैं, और इसके अंदर है जो अभी जैक फ्रूट के प्लांट वगैरह तैयार किए जा रहे हैं। और ये थोड़ी हाईटेक है, इसके अंदर लॉक भी है, और मैं आपको बाहर से दिखाना चाहूँगा ये पीछे। हाँ, और सभी पानी फिल्टर वगैरह की व्यवस्था यहाँ पे है, पानी का कुआ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर है जो मछली पालन किया जाता है, आपको मछलियाँ जाती हुई दिख रही है, नहीं तो मैं अब स्क्रिप्ट बना के आपको इसमें दिखा सकता हूँ। कैमरामैन बढ़िया स्वीट ले लो आप, मैं थोड़ा। ये सब पानी फिल्टरिंग की मशीन है, कितने इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं देख सकते हैं। बस एग्रीकल्चर नाम आसान है, इसके अंदर गहराइयों में जाने पर ये बहुत ही आगे बढ़ता जाता है। लोग जो स्टूडेंट समझते नहीं है कृषि विज्ञान की शाखा लेने में, थोड़े बहुत कहते हैं इसके अंदर स्कोप नहीं है, वो नहीं है। तो गाइस आप इंटरेस्ट लेके देखें एक बार, इसके अंदर ऐसी ऐसा स्कोप है जिसे आपने सोचा भी नहीं होगा। ये है जो प्रेशर मशीन का, ओके मैं इसको बंद कर देता हूँ, वरना पानी इतना हाई प्रेशर जाएगा कि फोन में कहाँ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, कैमरा वगैरह की। तो अब मैं थोड़ा इसके अंदर का रिव्यू आपको दिखाऊंगा, कैमरा मेरा अंदर चला जाएगा, लेकिन है जो वो मैं अंदर नहीं जा सकता। ये पीछे जो फिल्टरिंग और फर्टिलाइजेशन की टंकी है, इसके अंदर जो भी कुछ मिला। ये आम की मल्ली का वेराइटी है, इस पर अभी छोटा प्लांट लगभग एक साल का होगा। तो जी हाँ गाइज, आपने आपके लिए मैं इसके अंदर भी आ गया हूँ। और गाइज ये देखिए आप, शानदार यहाँ की पौध तैयार की हुई है, यहाँ पर सिट्रस की मुख्यतः और जैक फ्रूट की पौध तैयार की हुई है, और मतलब बिल्कुल मज़ा आ रहा है यार वीडियो बनाने में, थोड़ा रिस्क की काम हो तो और भी शानदार। ये देखिए आप, यहाँ बड़े बड़े मूल वरण तैयार किए जा रहे हैं सिट्रस के, इन गमलों में, पॉट में, और ऐसे ही एक पौधा तैयार होता है, और ये इसके ऊपर का ये हिस्सा है। इन पौधों को इस प्रकार तैयार किया जाता है और आगे सप्लाई के लिए काम में भेजा जाता है, नए नए किसानों को यहाँ से जो भी संपर्क जुड़ता है उनके साथ। यहाँ कुछ थोड़ी बहुत घास पत्ती भी उगी हुई है, और वो है और भी शानदार यहाँ के गमले वगैरह। ये गाइज आप नाम पढ़ रहे हैं, मैंडेरिन सिट्रस रेटिकुलेटा, यानी कि संतरा। संतरा को मैंडेरिन कहते हैं इंग्लिश में, पढ़े हुए हो तो पता ही होगा। और ये है कागजी लाइम की, जिसे सिट्रस ऑरेंटिफोलिया कहते हैं अपन वैज्ञानिक भाषा में,
जो बड़े बड़े कागजी नींबू आते हैं वो उनकी ये वैरायटी है। ये थोड़ी बढ़िया शानदार नर्सरी है, तो पानी लाने के लिए ये कुंड भी बनाया हुआ है। और ये आप देखिए मैंगो मैंडरिन, अरे नाम मैजिफेरा इंडिका। और ये है इसका रफ लेमन, जिसका इस्तेमाल किसान भाई करते हैं पुराने तरीके से, जो भी खेती करते हैं वो। इसके अंदर भी फेरोमोन ट्रैप वगैरह लगाए हुए हैं। काफ़ी सुंदर है, हरे भरे। इसके अंदर अभी अभी थाले बनाए हुए हैं। ये हमारे कॉलेज में काफ़ी बड़े टैमरिंड के प्लांट है। आप देख रहे हो, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो लाइक करें शेयर बिल्कुल करें। ये हमारा कॉलेज था, जो कि एक कॉलेज से पहले रिसर्च सेंटर के तौर पे बनाया हुआ था और हॉर्टिकल्चर का एकमात्र राजस्थान में कॉलेज है। और इस कॉलेज का लगभग 200 हेक्टर में इसकी ज़मीन है। और इसका मेन कॉलेज का गेट है जो कि उस साइड है, और जिस गेट से हम आए थे वो है इसका पीछे वाला गेट। तो गाइस हमारे हॉस्टल का वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और भी स्टूडेंटों के लिए मतलब किसी भी प्रकार का वीडियो बनाना हो इस कॉलेज के बारे में, तो मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, मैं जो आपकी हर बात वीडियो बनाऊंगा। अगर आपका मेरे को मैंने कॉलेज का वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मुझे शुरुआत में दिक्कत हुई थी कि इस कॉलेज में मैं आया था तो मुझे कोई भी प्रोफेशनल इस कॉलेज का वीडियो वगैरह नहीं मिला था, क्योंकि सब वीडियो कोई कटे फटे या फिर नॉर्मल स्टेटस के रूप में थे, ओनली इसका वीडियो ही मुझे मिला था। तो मैंने सोचा कि मैं आने वाले मेरे भाइयों को परेशान ना हो उसके लिए मैं वीडियो बना दूँ। तो मैंने जो शानदार पूरे कॉलेज का वीडियो बनाया आप लोगों ने देखा। तो थैंक यू गाइस इतने देर वीडियो में टिके रहने के लिए। और मेरे साथ है कैमरामैन विकास धूम, जो कि मेरा क्लासमेट है बीएससी हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री फर्स्ट ईयर, और मैं हूँ बीएससी हॉर्टिकल्चर फर्स्ट ईयर। और थैंक यू गाइस, धन्यवाद।